कितना कैंडिडेट लोग कह रहा है कि आप वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। कितना लोग कह रहा है कितना कैंडिडेट 28 तारीख तक विलुप्त हो जाएगा। लो अब नया नया सेकुलर बना है तो आजकल पैसों से ना भीड़ आता है। पैसा से भीड़ आता है, पूछ लीजिए आप दिल से। चरका छाप जिंदाबाद। कान छोड़ के स्माइकर भागी सिवान से, तो 10 साल पहले मिट जाना चाहिए। तो मैंने किधर इशारा कर रहे हैं? नाम है सारा का, ये सारा का क्या लेना है? नाम किसी का हम क्या बताएं? तो बोलिए, डर रहे हैं आप? हाँ, अब यही समझिए कि हम डर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है तो चुनाव लड़ते का नेताजी, कितना कैंडिडेट लोग कह रहा है कि आप वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं? वो तो नजर आ रहा है ना कि हम वोट काटने वाले हैं कि वोट लेने वाले हैं। तो भीड़ कोई जरूरी थोड़े ना है, ये तो उस दिन पता चलेगा ना, 28 तारीख को। लोग ऐसा, जो कैंडिडेट है वो ऐसा काहे कह रहा है? अरे सब नया नया सेकुलर बना है सब, आजकल पैसों से ना भीड़ आता है। पैसा से भीड़ आता है, पूछ लीजिए आप दिल से। चरका छाप जिंदाबाद। असली सेकुलर तो हम लोग है, वो सब नया नया, वो तो खुद वोट कटवा है सब। है हर जगह जाति बेसिस पर वोट हो रहा है, हमारे पास भी है, हमारे साथ सारे बिरादरी के लोग है। आप इसमें नाम पूछ लीजिए कौन किस बिरादरी। जिंदाबाद। चरका छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। थक गए इतने ऐसे क्या थक गए? मैं खून है। चरका खाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़े हो टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो टक्कर बोलिए, आगे बोलिए। हम तो कह रहे हैं कि आप एक एक आदमी से जात वाइज पूछ लीजिए। कितना लोग कह रहे हैं कितना कैंडिडेट 28 तारीख तक विलुप्त हो जाएगा? लो लुप्त तो हो गया, हमारा चेहरा सामने पड़ रहा है नो, तो विरोधी का चेहरा मिलवा दीजिए बोला के सामने। हमारा चेहरा देख लीजिए, विरोधी का चेहरा देख लीजिए, जो अगेंस्ट पार्टी है उसी से पता चल जाएगा कि कौन क्या है। चेहरा तो सामने करा के बीच में इलेक्शन कैंसिल हो गया था तो कितना लोग गायब हो गया था? हम नानू गायब भरनिया इस सारा तो ऑफिस में हम सारा महलवा के लोगवा बताई कि बबलू नेता ही घूमत रहला। हाँ माने एकदम लड़ाई केकरा से बा? फाइनल बा लड़ाई, हमनी के टक्कर में तो कोई अइबे ना करी। हाँ। अल्लाह के तरफ से हमरा लगे तारा से बहुत पहले भी कहले नी कि गैब से मदद मिल रहल बा, उ सामने आ रहल बा। हमरा के जे नइखे जानत वो हमार मदद करता, वही के गैबी मदद कहल जाला। अच्छा, धीरे धीरे जैसे जैसे और दिनवा बीतत जाई तो वैसे वैसे जो एनर्जी बा ई कम हो कि बढ़ ही? तारा तारा सामने पता चली कि एनर्जी हेलो हेलो एनर्जी कम बा कि बड़ी समझा। ये कॉन्फिडेंस है, आप लोग खामोश रहिए। हां बोलिए ना, बोलने बोलने दीजिए। बाकी सारा लोग भाई ए लोग से पूछ सकते हो, पूछ ले या हमार का स्थिति। कितना लोग बा एनहु आता ओहु में जाता? अब जो इधर भी आ रहा है उधर भी जा रहा है, आप उसे मिल के पूछिए, इसमें तो ऐसा कोई नहीं है। सब लोग दिल से आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल दिल से चाहते हैं, हम लोग बिल्कुल दिल से चाहते हैं, और अपना खर्च करके इनके साथ जुटे हुए हैं। आज तक इन्होंने एक लीटर पेट्रोल का पैसा नहीं दिया है, या पेट्रोल नहीं भरवाए, सारा पेट्रोल हम लोग खुद भर के इनके साथ है, दिल से साथ है। अच्छा बबलू नेता जाम जाम के समस्या पे रहते हैं आप लोगों के साथ, कूड़ा कचड़ा दो नंबर पे है, वो सब में बोलते हैं नेताजी आपके? हर समस्या में ये साथ है हमारे, हर समस्या में साथ रहते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला अगर हम गुल्ला दिए तो इससे आप निजात पाइएगा। याद रखिएगा, 2 साल हम समय मांगे हैं, हम बात मुकरने वाले नहीं हैं, 2 साल में पता चल जाएगा। तो 2 साल लग जाएगा पॉल्यूशन में 2 नंबर पे, तो 2-3 महीने में एक अरे खाली खाली पॉल्यूशन बा का? हाँ। खाली पॉल्यूशन बा सिवान में क्या जाम के? सबसे पहले सिवान छोड़ के स्माइकर भागी सिवान थे, हमरा अला के बाद स्माइकर सिवान में नजर नहीं। जितना लड़का खराब होते रहता
ऊपर तो ऊ लगाम लगाए अगर हमारा साथे साथे जितना हमारे भाई बहन वार्ड कमिश्नर अगर आ जाता हमारा मन मिजाज लायक तो हम देखा देम के स्माइकर कहाँ जाए लोग तिवान से बहुत बड़का बात है चोरी तिवान में कहीं ना हो पहरादार ओरिजिनल बन के देखा है मैं मामला में तो थोड़ा सा और इधर है ना हम लोग भी चाह रहे हैं कि सिवान का चुनाव नगर पंच नगर परिषद का चुनाव मुद्दे पे हो। आपने जो बात बोला है कि स्माइकर को क्योंकि कई घर कई माए बेचारी अपनी बेटा को चाहे उस स्माइकर का खौर खानदान हमको वोट दे या ना दे आ गए तो भगा देंगे तो कहाँ कमी कहाँ है कम इतना जो फैल रहा है अरे कुछ कुछ तला स्पाई लगा है तब वही सब अपना पैसा दे दे के नशा हर मोहल्ला में हर दस गो लड़का को खराब कर रहा है अब कोई बच जाए इतना जान लीजिए कि स्माइकर का मुद्दा हम खत्म कर देंगे सिवान से पहला प्राथमिकता स्माइकर जी उसके बाद अब भ्रष्टाचार पर जो बात आजकल हो रहा है तो जितना भ्रष्टाचार पर लोग आजकल सवाल उठा रहा है एक बात जान लीजिए सारे लोग पढ़े लिखे थे जितना भी 20 साल से चुनाव मैदान में रह रहा है लोग हर आदमी पढ़ा लिखा था और उस वक्त हर आदमी हमेशा घोटाला होता था काहे नहीं मना किया लोग उस वक्त जबकि पावरफुल ताकत है अगर आपके पास आप हर तरह से सक्षम है कि हम मिटा देंगे तो ये तो 10 साल पहले मिट जाना चाहिए तो मैंने किधर इशारा कर रहे हैं नाम हम सारा का है ये सारा का नाम क्या लेना है नाम किसी का हम क्या बताएं तो बोलिए डर रहे हैं आप हाँ अब यही समझिए कि हम डर रहे हैं अगर आपको लग रहा है तो चुनाव लड़ते का लोग तो कहता है कि नॉमिनेशन करने के लायक खड़ा होने के लायक कोई हमारे सामने नहीं है गली मत मनाइए कि चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड कमिश्नर का भी लड़ते ना तो लोग हमको भी यही कहता कि इनको भी दो चाहिए पहला स्माइकर दूसरा आपका भ्रष्टाचार और तीसरा एक और है साफ सफाई पॉल्यूशन में दो नंबर पे है इंशाल्लाह साफ सफाई तो दिन में तो अब होगा ही नहीं हम लोग इस पर मुहिम चलाएंगे उसको रातों रात साफ करवाएंगे जी जी बहुत बहुत उसके लिए देखिए अभी इतना ना स्टाफ का कमी है आमदनी होलसेल में हो गया है बहुत ज़्यादा आमदनी म्यूनिसिपलिटी में आ रहा है मकान टैक्स आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा है हर चीज़ का टैक्स बढ़ा दिया गया है स्टाफ कुछ नहीं है आबादी देख लीजिए वार्ड 18 वार्ड बड़ा है 7 वार्ड बड़ा है 48 से 45 हुआ है उस एरिया में भी आदमी दीजिएगा 38 से 45 हुआ है उस एरिया में भी आप स्टाफ दीजिएगा तो उसमें से कहाँ से दीजिएगा हम आएंगे तो इंशाल्लाह वो सब दूर करेंगे स्टाफ को किस तरह डील करना है हमको खूब अच्छा तरीका से आता है चुनावी जुमला नहीं वादा कीजिए दो साल के बाद फाड़ के फेंक देंगे रिजाइन दे देंगे हम चुनावी जुमला में हम लोग नहीं रहते हैं हम लोग रुपया कमा के भरना नहीं हुआ है हम लोगों को रुपया विद्यमान भी है रुपया भी भरे ये तो हमको करना नहीं है हम लोग के पास इतना पैसा है कि हम लोग खा पी के मस्त रहते हैं बच्चे लोगों को पढ़ा लिखा के रखे हैं लोग आगे भी पढ़ाएंगे लोग लेकिन म्यूनिसिपलिटी का पैसा से ये मत समझिएगा कि हमारा घर चलेगा हमारे पास काम है लास्ट में एक क्या अपील कीजिएगा ताकि जनता मुद्दा पे वोट दे जनता से हम अपील यही करेंगे कि जनता अगर हम पर विश्वास करेगी तो ये उम्मीद रखे कि एक नंबर में तो इस माइकर भागेगा सब सिवान छोड़ के ठीक एक नंबर में दो नंबर में कट जाएगा इस मैं उससे क्या हो जाएगा अच्छा ढेर लॉस हो जाएगा आपको अच्छा ठीक है अगर हमारे तकदीर में होगा ना तो वो आ जाएगा मेरे तकदीर में नहीं होगा तो ये हुजूम भी लेके चले नो और नसीब में नहीं रहेगा तो हमारा नहीं आ सकता है उससे किसी चीज का डर हमको नहीं है बाकी आप नहीं हम लगा लेंगे हम ऐड कर लेंगे उसका चलिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया बबलू नेता जी फिर हम मिलेंगे आज दो तीन जो वादा कर रहे हैं बीच बीच में हम फिर आएंगे आपके पास और जितने सारे कैंडिडेट हैं सिवान के नगर परिषद के चेयरमैन के सबके पास जाएंगे और किसकी क्या सोच है सबकी सोच को आप तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे आपको ये नजर आ रहा है ना कि वोट कटवा कौन है आगे भी देखिएगा अभी तो शुरू हुआ है जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ेगा
ये सैलाब में हम तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। हमारे सारे लोग हर तरह से साथ है। इतना बहुत लोग का हार्ट बीट बढ़ा दिए है, बढ़ गया है, हार्ट कमजोर नहीं हो गया विरोधियों का, तब देखिएगा। गरूर नहीं है, घमंड नहीं है, जनता के ऊपर हम बोल रहे हैं, जनता हमारे साथ है, अल्लाह इंशाल्लाह हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम लोग सीट निकालेंगे। चलिए, हम तो वो वाला मीडिया नहीं, हम फिर पकड़ेंगे, काम नहीं होगा तो आपके साथ। आप जितना हमको पकड़ना है पकड़िएगा, भागने वाला हम भी नेता नहीं है। जी अच्छा, हम उधर ले लेते हैं और एक जगह और, अब जनता का खाली बोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल, ये जो भीड़ है, हमने ये भी सवाल पूछा था कि ये भीड़ क्या पैसे पे बुलाया गया है, तो नेताजी का आप लोगों ने जवाब देखा सुना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भीड़ देख के इनका कहना है कि विरोधियों का होश उड़ गया है, और जैसे जैसे दिन करीब आएगा वैसे वैसे और लोगों का पसीना छूटेगा। तो ऐसे ही बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।